प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने इंदौर के बहुचर्चित महाराष्ट्र ब्राह्मण कोऑपरेटिव बैंक घोटाले की भी नए सिरे से जांच की बात करते हुए दोषियों पर कार्रवाई की बात कही। इस मामले में बैंक के पूर्व अध्यक्ष ने सीएम कमलनाथ को घोटाले से जुड़े दस्तावेज सौंपे, जिसके बाद यकायक मामला गर्मा गया। प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने इंदौर के बहुचर्चित महाराष्ट्र ब्राह्मण को ऑपरेटिव बैंक घोटाले के भी नए सिरे से जांच की बात करते हुए दोषियों पर कार्रवाई की बात कही। इस मामले में बैंक के पूर्व अध्यक्ष ने सीएम कमलनाथ को घोटाले से जुड़े दस्तावेज सौंपे, जिसके बाद एकाएक ही मामला गर्मा गया। एक बात समझ लो, एक भी घोटाला बचेगा नहीं। सीएस घोटाले पे हर 3-4 दिन में एक एफआईआर हो रही है। पेंशन घोटाला का जिन आ गया है, रिपोर्ट जैन आयोग की हमारे आ गई हमारे पास। इसी तरह ये बैंक घोटाला, महाराष्ट्र बैंक का घोटाला भी बिल्कुल, ये सारी चीज़ें एक के बाद एक लाएंगे। बहुत सारे मोर्चे एक साथ खोलना ठीक भी नहीं होता। हनी ट्रैप आ गया, कई चीज़ें आ गई। मंत्री वर्मा के बयान के बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि पेंशन घोटाले पर कैलाश विजयवर्गीय को घेरने के बाद पूर्व सांसद सुमित्रा महाजन को घेरने की तैयारी कांग्रेस कर रही है। हालांकि वर्मा ने स्पष्ट कर दिया है कि इस मामले में ताई का कुछ नहीं है, लेकिन परिवार के लोग यदि कुछ करते हैं तो जाँच हो रही है। सुमित्रा महाजन एक अलग व्यक्तित्व है, लेकिन मैं मेरी ताई का बड़ा आदर करता हूँ। अब परिवार का हर अंग एक जैसा हो या आवश्यक नहीं है। ताई बिंदास रही हैं, हर मुसीबतों को उन्होंने झेला है, पर परिवार में कोई गड़बड़ करता है मान लो और रिपोर्ट में आ जाता है तो ताई इसमें की है। हमारी अहिल्या माता है ताई, वो कभी वो तरफदारी नहीं करेगी। वो बोलेगी जो यदि हुआ है, रिपोर्ट में आ गया है, तो कोई भी हो, मेरा बेटा हो या कोई हो, ताई इसमें की। मैं इतने सालों से जो ताई हमारी अहिल्या माता है। मंत्री वर्मा के बयान के बाद अब महाराष्ट्र ब्राह्मण को ऑपरेटिव बैंक घोटाले फाइलें एक बार दोबारा खुल सकती है। आरोप है कि इसमें 30 करोड़ का कथित तौर पर घोटाला हुआ है। यह मामला उस समय का है जब सुमित्रा महाजन के बेटे मिलिंद महाजन बैंक के डायरेक्टर थे। इस मामले में महाजन की निज सचिव वंदना महस्कर के पति भी आरोपी के घेरे में आए थे। आरोप है कि आम लोगों की जमा पूंजी का मनमाने तरीके से बंदरबांट की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर बार न्यूज, इंदौर।